तो मेथी तो आपको पता है क्या होता है, मेथी खाने वाले मेथी. सो व्हाट इज मेथी कॉल्ड इन इंग्लिश? दैट्स टफ. टफ? या. व्हाट इज मेथी कॉल्ड इन इंग्लिश? आई ऑलरेडी लूजिंग 100 बक्स. हां चलो पांच क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन है. वेट, मेथी इज कोरिएंडर. आर यू श्योर? या. कोरिएंडर लीव्स. कोरिएंडर इज धनिया ना. तो मेथी क्या होता है? तभी तो मैं क्या. अच्छा, मेथी को ना मेथी कहते हैं. हाँ, मेथी मेथी होती होगी. अंग्रेजी में बताइए, मेथी कहते हैं? हाँ, इसलिए लिखने में तो M-E-T-H-I बन जाता है. हाँ, नहीं नहीं पागल, कुछ तो फाइनल आंसर बताओ. गिव इट अ ट्राई, इट कुड बी करेक्ट. पुदीना इज अ हिंदी वर्ड और पुदीना. आई थिंक इट्स देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म. मिंट इज, मिंट इज यार एक तो इतना हर वक्त होते हैं यार. मैं कुछ बोलना है. व्हाट इज मेथी कॉल्ड इन इंग्लिश? फेनुग्रीक. फेनुग्रीक. मेथी इन इंग्लिश? फेनुग्रीक. What is it called? I'll go with her. What is it called? Fenugreek. Fenugreek. You got that right. Very nice. Pata tha. I watch a lot of Master Chef with my mom. Spell karoge? F-E-N-U-G-R-E-E-K. Awesome. Very nice. Bata do fir main. Haan yaar, batai do. Methi is called Fenugreek. Fenugreek. Oh, shit. मैं यूज करती थी फेस पे, मेरे को 1% भी नहीं पता था. मेथी को मेथी ही बोलते हैं, करना क्या. एग्जैक्टली. व्हेन मींस सीड्स. देखो तुम ये व्हाटएवर यू जस्ट सेड, आई डोंट नो मतलब कोई यूज कर रहा है. मैं सुना है वैसे फेनुग्रीक, पहले सुना ही नहीं है. फेनुग्रीक बोलते हैं मेथी को. ओके, गुड जॉब. थैंक यू. इस बार यही आंसर करेंगे. सो आपके हिसाब से क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन सा है इन आवर सोलर सिस्टम? व्हाट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इन आवर सोलर सिस्टम? बचपन के हैं. फर्स्ट प्लैनेट वीनस इज सेकंड. रुक जा, अरे वो याद क्या था. माय वेरी मार्स. मार्स माय होता है पक्का. हाँ, माय वेरी नहीं, एक मिनट, एम से दो होते हैं. माय मर्करी. मर्करी मर्करी मर्करी. और आपको क्या लगता है? मर्करी. व्हाट इज इट? मर्करी. मर्करी. मकरी. बाप रे, ये तो जीत के जाएंगे. गुड जॉब. मर्करी. Mercury. How sure are you? What's your final answer? Mercury. Good job. So, chalo pehle. Mercury. Mars is the third, I guess. My very elegant. Fourth is Mercury. So, whatever. Haan. Mercury. Good job. बहुत अच्छे school teacher रिचर रहे हैं भाई, अच्छे से सिखा दिए. Good job. It's Mercury. Mars. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दो कंट्रीज के नाम बताने हैं, दोनों ही बताने हैं. okay. जिसमें लेटर एक्स आता है, नाम के अंदर लेटर एक्स आना चाहिए. लेटर एक्स. एक्स. हाँ. साला ज्योग्राफी इतनी गंदी है. नहीं मेरी अच्छी है, बट मुझे याद नहीं आ रहा. कम ऑन, वेट, कम ऑन. दिस इज टफ. टू कंट्रीज having the letter X. Google it. Google option nahi hai. Time limit hai? Nahi. Bas fir to baithe rehte. Itna bhi nahi. Wo terms and conditions hai. 30 seconds. Nahi, bahut zyada, bahut. Pressure, pressure. Abhi samajh yaad nahi aa raha hai. Thoda sa map dekhunga to aa jayega. Kya nahi hai? क्या एक्स से नहीं है? नहीं, आपको लोगों को कॉल लेना है. क्या है? नहीं, मे बी आई एम ब्लफिंग यू गाइस. ट्रिक क्वेश्चन भी है बिकॉज़ एक्स इज नॉट. नहीं यार, रुक जा, सोचने दे. क्या पता ऐसी कोई कंट्री हो. मुझे तो दुनिया भर याद नहीं हो रही. जब बताऊंगा ना बोलोगे ओ शिट, ये तो पता था मेरे को. अब मैं गई हूं. अब एक मिनट, यहां तो मैं गई हूं. नहीं, वो जी तो आता है. कंट्री बताना है. एक्स बताना है. एक्स. लग रहा है नहीं एक भी. क्या नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें एक्स होगा तो ऑब्वियसली उसमें को लग रहा है कि साइलेंट होगा. ऐसा किस में? अगर किसी में एक्स होगा तो हो सकता है कि साइलेंट नहीं है. साइलेंट नहीं है. कोई नहीं, अभी भी है क्वेश्चन. जो यू आर स्टिल इन द गेम. अब तो मुझे चुल मच गई ना जानने की कौन सा है. जल्दी बताओ. स्किप. कैन आई पास इट? या या, श्योर. पास पास पास. रहने तो नहीं बताऊंगा. आ रहा कुछ? नहीं पता, नहीं आ रहा. बट एनी केस आई विल पास. ठीक है, गिव अप. पास. ठीक है. सो एक है मेक्सिको. मेक्सिको. और एक है लक्समबर्ग. लक्समबर्ग. ओके, वो यूरोप में कंट्री है. लक्समबर्ग.
सुना है पर हाँ दिमाग में नहीं आता हाँ पर बहुत ही लाइक बहुत दूर रहता मेक्सिको कैसे नहीं आया चलो मुझे पता है कुछ टफ ज्यादा ये क्वेश्चन मेक्सिको तो सुना है ये 2000 रुपए वाला रखना चाहिए था हमें यू आर स्टिल इन द गेम वी आर लेफ्ट विद फाइनल 2 questions और दोनों के करेक्ट आंसर देने हैं वरना गेम गेट्स ओवर टूवर्ड आए दोनों करेक्ट आंसर देने पड़ेंगे सो ये बहुत ईजी है सो हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था क्लियरली नॉट यू गाइस ये तो बाहर ही चले अरे आओ वापस आओ जल्दी आंसर देके जाना है फिर इसके बाद छुट्टी है बचपन में पढ़ा था याद नहीं है ऐसे क्यों कर रहे हो यार टेलीफोन हु इन्वेंटेड टेलीफोन ग्राम टेलीफोन ना टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था इन्वेंटर कौन है ग्रामोफोन आई थिंक ग्रामोफोन आई कैन थिंक ऑफ द राइट नेम यार क्या नाम था उसका यार ये मेरे को लग रहा है वीडियो इज अबाउट कि कैसे बेवकूफ बच्चे इस दुनिया के ये दिस क्लियर ग्रामोफोन आई थिंक ग्रामोफोन ग्रामोफोन कैसा नाम उसकी वाइफ का नाम वाज हेलो आई थिंक पूरा नाम बताओ याद था मुझे बट अभी आप जीत गए 100 rupees अलेक्जेंडर ग्राम बेल अलेक्जेंडर ग्राम बेल लॉक कर दें पक्का पक्का ये जीत गए 100 rupees मेरे अंडरस्टैंडिंग चलो अगर आप लोग मेरे जगह पे होते आप लोग इसको करेक्ट मानते हैं सच्ची बताओ हां हां बट ऑब्वियसली बट अगर आप सर्च करोगे गूगल पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अलेक्जेंडर विल गिव इट टू यू विल गिव इट टू यू जीत गए 100 rupees क्या बात है सो पास ले लो कुछ नहीं आता आई वुड से यू वर क्लोज इनफ अपने ग्रामोफोन तक आ गए इट्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ओके Alexander Graham Bell. You know what? मेरे को ऐसे मैं बताऊँ क्या मुझे ना doubt था। इनका नाम सुना है। हाँ, Graham Bell. Doubt था कि मैंने बोल दिया। बेइज्जती हो गई। I remember. Negative margin थी। नहीं कोई negative margin नहीं थी पर उधर तो बेइज्जती हो जाती है ना सबके सामने। जो ये क्यों आप बकवास कर रही हैं? It's okay guys. But कोई बात नहीं। It will count. No. Count ना फिर लो मुझे roast करेंगे gramophone कौन था बे? Okay. Anyway, thank you so much guys. The game gets over here. चलो done. So cool. एक answer दिया बताओ अब नेक्स्ट राउंड आप लोग खेलोगे जिसकी वर्थ है 500 अगर 500 का रॉन्ग आंसर दिया जो 100 थे वो भी नहीं मिलेगा तो वो 100 जो था वो भी गया हाँ ठीक है अब बताओ खेलना चाहोगे फिर आप क्विट नहीं कर सकते मतलब ये नहीं जो क्वेश्चन सुन के आई एम क्विटिंग द गेम हाँ ठीक है हाँ गो फॉर इट ये टफ क्वेश्चन पूछ ले इट्स ओके तो देख लो 100 rupees में भी कुछ मोमोज वोमोज हो जाएगा इट्स ओके गो है ठीक है आपसी सहमति ओके कुछ 500 वाले में कितने आंसर्स करेक्ट देने हैं एक अब बस एक एक ही बचा है एक 500 एक 2000 का सो डू यू वांट टू प्ले द 500 rupees राउंड पूछ ले तो एक कंट्री है जिसका नाम है टर्की सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की टर्की का कैपिटल इनको बता एक सेकेंड याद नहीं आ रहा मुझे अब सपने आ रहे ना गए 100 rupees नहीं ये तो सही है टर्की का कैपिटल बुडापेस्ट क्या लग रहा है एल गो विद हर नो नहीं इट्स नॉट बुडापेस्ट बट आई थिंक Budapest is the capital of Hungary. Hungary, yeah. Turkey, हाँ, so Turkey, Hungary एक जैसा लग रहा है। ये trick question तो नहीं है? हाँ, country wise geography. फंसाने वाले के लिए। हाँ, जी के। Capital of Turkey. Istanbul. No. Istanbul लग रहा है। लग तो रहा है। Istanbul. कितने sure हो आप?
दिस क्लोज, 500 रुपए जीत सकते हो, लॉक कर दे, पार्टी हो सकती है तीनों को, 80% शोरमा खाने का, शोरमा हो जाएगा भाई आज, इस्तांबुल, श्योर, श्योर, लॉक कर दे, लॉक कर दे यार। आपको क्या लग रहा है जो मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा, इतना इजी होगा? नहीं, बट वेट, मेबी आई एम ब्लफिंग यू, राइट, आई थिंक यू आर राइट, ही इज प्लेइंग मेबी, आई स्टिक टू इस्तांबुल, बट इट्स टिक 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 टिक, इट्स आई थिंक रॉन्ग, अफसोस गलत जवाब, अफसोस अफसोस अफसोस, ओके अफसोस सी गलत जवाब, नहीं यार, इट्स ओके, सो अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की, ओके ठीक है, सो इट्स अंकारा, अंकारा, इस्तांबुल इज अ कंट्री, सो नो, इस्तांबुल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज, सो द कैपिटल इज अंकारा, 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 A N K A R A, इस्तांबुल लग रहा है, वो रखा ही हमने इस ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए जिससे लोगों लगे इस्तांबुल, चलो चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर पार्टिसिपेटिंग, आई होप यू गाइस लाइक द क्वेश्चंस, हमें काफी अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने एक्चुअली में काफी टफ टफ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, सो द गेम गेट्स ओवर हियर, नो इश्यूज, एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस टू, आई डिड, आई डिड, यू हैव लर्न समथिंग, यू गाइस आर डूइंग, योर गाइस आर डूइंग अ रियली नाइस जॉब, मेक्स प्लीज कंटिन्यू दिस एंड ग्रो योर चैनल, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, यू प्लेड दिस गेम सो ब्यूटीफुली, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन, वेरी नाइस, एकदम स्टैंडिंग ओवेशन, ओके ठीक है, 100 रुपए तो नहीं मिल रहे, बट 2000 वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है, वैसे रैंडमली जानना है, उसके लिए आपको स्ट्रीट चैलेंज का नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, अगर कोई 2000 के राउंड तक पहुंचे तो, एंड गाइस दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू नो इतने सारे लोग 100 रुपए वाला राउंड जीत के नेक्स्ट राउंड तक पहुंचे, इट्स ओके इफ दे कुड नॉट यू नो आंसर the 500 rupees question, it's okay, at least they tried and we really appreciate their efforts, काफ़ी difficult questions है आज के वीडियो में मुझे मालूम है, so we really appreciate their presence and their efforts, और अब 200 अब नीचे comment करके हमें ये ज़रूर बताओ that जो next episode होगा street challenge का, क्या हमें difficulty ऐसे ही रखना चाहिए, क्या थोड़ा easy कर देना चाहिए, नीचे comment करके हमें बताना, ठीक है, and the series continues, I hope you guys liked our today's episode, so please make sure to hit the like button right away, और next episode के लिए कुछ question भी सजेस्ट कर देना नीचे लिख के, ठीक है, और अगर अभी तक आपने QRT को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करना, ये जो नीचे सर्कल अपीयर कर रहा है इसको जल्दी से क्लिक करो, QRT को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो, और ये दो वीडियोस भी जरूर देखना अगर अभी तक आपने नहीं देखे, आई विल सी यू ऑल अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्विक रिएक्शन टीम, अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।